हमारे चैनल नीताज पकवान में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज देखें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खस्ता खजूर की रेसिपी। सबसे उसको मैदा का बिस्किट भी खस्ता बिस्किट और खाने में बहुत टेस्टी बहुत जायकेदार लगेगा टेस्ट। इसे बहुत जगह बिहार यूपी में इसे ठेकवाई बोला जाता है लेकिन मैं इसे खस्ता खजूरी बोलती हूँ। जिस तरह से मैं बनाती हूँ इस तरह से बनाइएगा तो बहुत खस्ता बहुत टेस्टी और एकदम लगेगा मोर और लेस टेस्ट आपका कुकीज की तरह। चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ। खस्ता खजूर बनाने के लिए देखिए मैं आधा किलो मैदा ली हूँ और उसमें डालने के लिए मैं 300 ग्राम चीनी ली हूँ। पीस करके मैं इसको ग्राइंड कर ली हूँ, शुगर पाउडर बना ली हूँ। उसके लिए 100 ग्राम में नारियल का चूरा नारियल का बुरादा मैं ली कोकोनट पाउडर एक चम्मच करके मोटा सौंफ ली हूँ। ये सौंफ डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है ये खजूर का। और देखिए 100 ग्राम देसी घी मोए में डालूँगी इसको देसी घी का तेल का मोए डालने से उतना टेस्टी नहीं लगेगा। मोम जब भी डालिएगा देसी घी का तो ये बहुत खस्ता बहुत टेस्टी बहुत स्वादिष्ट लगेगा बिल्कुल होममेड कुकीज के तरह। अगर देखिए इस रेसिपी और इस रेसिपी से अगर आप बनाइएगा खस्ता खजूर तो होममेड एकदम कुकीज एकदम बाजार मार्केट जैसे कुकीज के तरह टेस्ट लगेगा। पता ही नहीं चलेगा कि आप खजूर खा रही है इतना खस्ता और इतना नरम सॉफ्ट कि बूढ़े आदमी भी बिना दांत वाले लोग भी इसको अच्छा सा आराम से खा लें। अब देखिए मैं मैदा गूंथने जा रही हूँ। इसमें देखिए सबसे पहले मैं सौंफ डाल दे रही हूँ। आधा किलो मैदा में देखिए मैं 100 ग्राम नारियल चूरा डाल रही हूँ। नारियल चूरा अगर डालिएगा ये ऑप्शनल है, नारियल चूरा अगर डालना है तब तो 300 ग्राम चीनी डालिएगा और नहीं अगर नारियल चूरा डालना है थोड़ा हल्का फुल्का ड्राई फ्रूट डालना है तो 250 ही चीनी में हो जाएगा आपको। ये 100 ग्राम एक्स्ट्रा जो नारियल चूरा हो गया जिसके लिए मैं 300 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। 300 ग्राम चीनी इसमें 100 ग्राम का मोयन और इसको अच्छे तरह से मैं मिक्स करूँगी। अच्छी तरह से देखिए इसको मिक्स करना है। चीनी अगर पीस के दीजिएगा तो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। खड़ा चीनी डालने से बहुत बार खड़ी खड़ी चीनी मिलने से वो टेस्ट अच्छा नहीं आता है इसलिए जब भी मैं ये बनाती हूँ तो इसमें चीनी पीस करके ग्राइंड करके ही देती हूँ। अच्छी तरह से सब मिक्स कर लीजिए और इस तरह से देखिए मुट्ठी बंधा रहा है कि नहीं बंधा रहा देखना पड़ेगा। इस तरह से अगर मुट्ठी बंध जाए तो समझिए एकदम परफेक्ट मोए में। मैं इसको देखिए पानी गुनगुना करके मैं इसको गूंथूंगी। पानी गुनगुना करके गूंथिएगा तो बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगा आपका। एकदम सख्त गूंथना है, ज़रा सा भी इसको गीला नहीं करना, एकदम सख्त गूंथिएगा तो ज़्यादा खस्ता बनेगा आपका। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी देखे एकदम गुनगुना पानी से गूंथिएगा तो बहुत खस्ता और बहुत अच्छा ठेकुआ मैंने खजूर बनेगा आपका। देखिए इस तरह से एकदम सख्त को बनाना है इसका, एकदम सख्त मैदा गूंथिएगा तब अच्छा बनेगा, एकदम गीला नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो नारियल बुरादा तो आप गड़ी गोला भी उसको यूज कर सकती हैं, उसको महीन महीन काट करके इसमें डाल सकती हैं। दूसरा ड्राई फ्रूट भी महीन महीन बारीक बारीक काट के काजू बादाम इत्यादि भी डाल सकती हैं, जैसी आपकी इच्छा डाल सकती हैं। अब देखिए मैं बनाकर इसको दिखाने जा रही हूँ। ये सांचा है देखिए, इसमें थोड़े से मैं घी लगा दूँगी। घी लगा देने से चिपकेगा नहीं, छोटे छोटे लोई में बनाऊँगी एकदम छोटे छोटे साइज का लोई बनाना। देखिए इतने छोटे छोटे नींबू का काट कर, देखिए छोटे छोटे लोई मैं एकदम नींबू का आकार के बनाई हूँ। एकदम स्मूथ करना है गोल करके के और सांचा में रख करके ऐसे करके प्रेस कीजिएगा। देखिए बस इसी तरह से मैं बनाऊँगी। आपको जिस आकार का बनाना है जैसे आपके पास सांचा है उस तरह से बना सकती हैं। बस हाथ से थोड़ा सा प्रेस करना है। देखिए मैं साचा का सहारा से ये सब बना ली हूँ इतना और इतना बना करके इसको फिर फ्राई करूँगी। थोड़ा थोड़ा मैं बनाते जाऊँगी उसको फ्राई करते जाऊँगी। एक साथ बना के रख देने से चिपकने का डर है और सूख जाने से फिर उतना क्रिस्पी नहीं बनेगा इसलिए मैं बनाते जाती हूँ संग संग उसको फ्राई करती हूँ। देखिए मैं तेल गर्म हो गया, मैं उसमें थोड़ा सा मैदा डाल के देख रही हूँ। देखिए इसमें बबल्स आने लगा, तेल गर्म हुआ कि नहीं हुआ वही चेक करने के लिए। अब देखिए बबल्स आने लगा इसका मतलब तेल गर्म हो गया। अब इस स्टेज में मैं ठेकुआ को फ्राई करने के लिए उसमें डालूंगी तेल में, बस एक एक पीस करके डालिएगा
अलग अलग, एक साथ ज़्यादा मत डालिएगा ना, तब एक दूसरा में चिपक जाएगा, फूल इतना ज़्यादा खस्ता है कि टूटने का डर है। इसलिए अलग सावधानी पूर्वक आपको एक एक पीस करके अलग अलग करके डालना है। अब तेल की जगह देखिए घी भी अब यूज कर सकती हैं, घी में भी ठेकुआ बहुत अच्छा बनता है। अब देखिए एक साइड देखिए मैं उलट दी हूँ, देखिए ब्राउन होने जा रहा है। अब देखिए मैं दूसरे साइड उलटने जा रही हूँ, धीरे धीरे करके सावधानी पूर्वक इसको उलटना, नहीं तो टूटने का डर है। बिल्कुल डीप फ्राई करना, शुरू में देखिए हाई फ्लेम में दीजिएगा, उसको डालने के बाद इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम में दी, नहीं तो ऊपर से जल जाएगा ठेकुआ और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। अब देखिए बिल्कुल ब्राउन हो गया, अब एक पीस करके मैं निकाल दे रही हूँ। थोड़ा टेढ़ा करके निकालिएगा तो तेल निकल जाएगा, और टिश्यू पेपर भी इसको निकालिएगा आप इसी तरह से, तो तेल आपका एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगा। इस तरह से उलटते पुलटते आपको ब्राउन करके इसको तलना है। देखिए खस्ता खजूर बन करके मेरी रेडी है। इधर बिहार यूपी में से देखिए ठेकुआ ही बोला जाता है, और मेरे ख्याल से तो इसको बिस्कुट या कुकीज बोलना ज़्यादा अच्छा, कि कुकीज और बिस्कुट से भी ज़्यादा देखिए क्रंची और क्रिस्पी बन गया। देखिए इसे आवाज़ से देख लीजिए, और इस टेक्सचर में देखकर तोड़ के दिखा लीजिए। ये देखिए इतना ज़्यादा खस्ता, और इतना ये है कि अगर बूढ़े लोग भी, अगर बिना दांत वाले लोग भी खाना चाहें तो आराम से खा सकते हैं। मतलब एक बार आपको ज़रूर से बोलते ज़रूर से करती हूँ कि ज़रूर से बना के इसे घर में ट्राई कीजिएगा। इसके सामने मार्केट के कुकीज और बिस्कुट भी आपको फीकी लगेगी, इतना क्रंची और इतना क्रिस्पी और इतना टेस्टी बनता है। इस रेसिपी से और ये रेसिपी से बनाइएगा, बहुत अच्छा बनाइए। अब इसे कहीं खजूर भी बोला जाता है, बहुत लोग इसको ठेकुआ ही बोलते हैं, बहुत लोग इसको खस्ता बिस्कुट भी बोलते हैं, जो भी नाम से बोला रही है, लेकिन बहुत टेस्टी, बहुत क्रिस्पी, बहुत क्रंची ये बनती है, और बहुत मतलब जायकेदार और बहुत अच्छी लगेगी। लोग शौक से खाएंगे, बाहर के लोगों को खिलाइए, मेहमानों को लोग खिलाइए, शाम के टाइम में नाश्ता आराम से कर सकते हैं, बच्चे लोग आराम से, बड़े बूढ़े बच्चे सब लोग आराम से खा सकते हैं। आशा करती हूँ ज़रूर से बना के अपने घर में ट्राई कीजिएगा, और मेरे अच्छे लगे ये आपको खजूर तो ज़रूर ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर से मैं नए वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।